अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लगातार प्रत्याशी जनसंपर्क, रोड शो और बैठकें करने में जुटे हुए हैं, समर्थन जुटा रहे हैं। इसी क्रम में कल्याणपुर के आवास विकास में आयोजित कार्यक्रम में अकबरपुर से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले ने समर्थन जुटाया। संबोधन में कहा कि मंदना से अनवरगंज तक लगने वाले जाम की समस्या को दूर कर उसका शिलान्यास 6 माह में किया जाएगा। रिंग रोड को भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही कानपुर की हवाई सेवाओं को और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आयोजक सक्षम तिवारी, मंडल अध्यक्ष और लोकसभा प्रभारी प्रीति तिवारी मौजूद रहीं। अभी अभी मेरे सार्वजनिक विचार व्यक्त करने के अवसर पर मैंने ये कहा, यहाँ का सिविल एरोड्रम बनकर के तैयार हो गया है, उसमें हमारी सेवाएं, हवाई सेवाएं भी बढ़ी हैं, लेकिन मैं पूर्णतः अभी संतुष्ट नहीं हूँ। चूँकि ILS तकनीकी तौर पर उसमें असुविधा है, उसको ठीक करा करके नाइट लैंडिंग हो और भी लोगों की आवश्यकता अनुसार देश के और जो महानगर हैं उनसे हवाई सेवाएं और बढ़ें, इसका प्रयास करूंगा और कराऊंगा भी। दूसरी बात, मंदना टू अनवरगंज जो जाम की समस्या है, पहला काम मेरा ही होगा, उसका मैं शिलान्यास करूँ 6 महीने के अंदर। रिंग रोड आपका बन रहा, शिलान्यास हो गया, उसका उद्घाटन भी मैं ही करूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, माननीय हमारे और परिवहन मंत्री जी करेंगे। आप बताइए। और सभी को हमारा धन्यवाद। मैं सक्षम तिवारी, आज का जो कार्यक्रम हुआ उसका मैं संयोजक हूँ, और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, जैसे कि हम जानते हैं, हमारे देवेंद्र सिंह भोले जो कि हमारे BJP के सांसद हैं, तो वो आज हमारे यहाँ पे कार्यक्रम में आए। उन्होंने कार्यक्रम बखूबी अच्छे से किया, बढ़िया से किया, और मेरा हर किसी से मेरा यही है कि इसी तरीके से आप उनको आप सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारे देश का, हमारे जगह का, हमारे उसका कल्याण हमेशा होता रहे। और मेरी हर किसी से यही कामना है कि वोट वाले दिन आप लोग अवश्य वोट डालें। जैसे कि उन्हें सबसे अच्छी एक बात कही कि वोट का जो दिन है, कुछ लोग होते हैं जो छुट्टी मारने में निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप अगर उसमें वो ना जाकर आप वोट दें तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी हैं। बाकी मेरा किसी से ये अनुरोध है कि आप BJP को वोट दीजिए, ताकि ऐसे हमारा सब कुछ, हमारा देश आगे बढ़ता रहे।